हेलो हेलो, मैं हूँ फैक्ट भाई। और कभी आपने सोचा है कि बकेट भर के चीज, बाल्टी भर के बटर और टैंकर भर के ऑयल खाने से आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? पर इसका जवाब जानने के लिए आपको जाननी पड़ेगी सोनी इस जवान की कहानी, जो ये सब खाकर मौत के घाट उतर गए। लेकिन खाने का सिलसिला तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे बीमारियों से भरपूर होकर भी निकोकाडो एवोकाडो ने खाने की प्लेट नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, आज के मेन्यू में एक ऐसे मुकबैंगर भी है जो खाते नहीं है, सिर्फ पीते ही जाते हैं। अब वो कौन है, आइए देखते हैं। नंबर वन, मुख बैंगिंग से मौत। जीने के लिए खाना जरूरी है, पर खाना ही आपकी जान ले ले तो वो भी सिर्फ 19 साल की छोटी उम्र में। फैक्ट भाई बात कर रहा है इनकी। सुन, चाइना के लाइव स्ट्रीमिंग मुकबैंगर थे जो एक वीडियो शेयरिंग ऐप पर रोजमर्रा की डाइट शेयर करते थे, लेकिन इनका खाना हाई कैलोरीज, हाई कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा तेल के साथ पेट में पच सके उससे एक्स्ट्रा होता था। पर अपने 5 लाख फॉलोअर्स का ध्यान डगमगाए ना, इसलिए वो इसकी परवाह किए बिना हर दिन कुछ नया पोस्ट करते थे। लेकिन अफसोस, 2021 में एक हफ्ते तक इनकी वीडियोज और इनके लापता रहने के बाद सुन की ब्रेन ब्लीडिंग से मौत की खबर आई। पर सच इतना सीधा नहीं था। एक तरफ फैंस के लिए मौत की खबर को मान लेना मुश्किल था, तो दूसरी तरफ सुन की मौत में उनके अनहेल्दी खाने का हाथ भी बताया जा रहा था। इसलिए फैक्ट बाई की एडवाइस तो यही रहेगी कि कम खाओ, गम खाओ और लाइफ लाइन बढ़ाओ। नंबर टू, अभी हम जिंदा हैं। 11 मार्च 2018 YouTube पर KTF नाम से एक चैनल शुरू होता है और पहला वीडियो 5 किलो सालमन वाली मुख बैंगिंग। बस रातों रात वीडियो वायरल। वजह, लड़की ने वीडियो में पूरा चेहरा नहीं दिखाया था, पर फिर व्यूज और सब्सक्राइबर के साथ चैनल पे अजीबोगरीब चीजें बढ़ी। कभी केट की मुख बैंगिंग के बीच लोगों को हाथ और होंठ पर चोट दिखी, तो कभी खाते खाते दांत टूट जाने जैसी चीजें हुई। लोग हैरान भी थे और परेशान भी। लोगों ने थ्योरी बना ली कि केट हॉस्टेज है या फिर बहुत अच्छी एक्ट्रेस। लेकिन 10 नवंबर 2019 को कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। इस दिन से 2 साल तक चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। सबने ये मान लिया कि मुख बैंगिंग करते करते केट के साथ कुछ हादसा हो गया है या वो मर चुकी है। पर एक दिन अचानक ही केटीएफ इज बैक टाइटल वीडियो के साथ केट लौट आई। अब भी केट पहले की तरह आधा फेस दिखाकर वीडियो अपलोड करती है और आज भी उनके बारे में सबको उतना ही पता है जितना पहली वीडियो देखकर था। नंबर 3, प्राण जाए पर खाना इम्पॉसिबल। अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना, वेफलो 69 उन टिकटोकर्स में से हैं जिन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपनी जान ही दे दी। कैसे? What's up, my name is Waffler, also known as Taylor. वेफलो 69 यानी टेलर क्लेडॉम के टिकटोक पे 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे और उन्हें इनके नॉस्टैल्जिक से लेकर एक्सपायर्ड फूड ईटिंग वीडियोस बहुत पसंद आते थे। लेकिन पब्लिक वो नहीं जानती थी जो इन्हें पता था। इनके परिवार में इनके पिता और पिता के पिता दोनों को ही दिल की बीमारी थी, यानी इन्हें आइडिया था कि इन्हें भी ऐसा कुछ हो सकता है। पर इसके बावजूद ये फूड ईटिंग और वियर्ड मुख बैंगिंग करते रहे और उसी फेम ने इनका गेम कर दिया। 11 जनवरी 2023 को हर दिन की तरह इन्होंने एक वीडियो बनाया। Does it taste fruity? Does it taste loopy? Let's see. पर कुछ वक्त बिताने के बाद इन्हें अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। इनका परिवार बिना देरी के इन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, पर 10 बजे के करीब ये हार्ट अटैक से चल बसे। खत्म, बाय बाय, गया। आपको क्या लगता है, कुछ लाइक्स और लोगों को हंसाने के लिए जान कुर्बान करना सही है? नंबर 4, खाऊं या पियूं। आज जिंदा हूँ तो पी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी डिश को भी खत्म कर लेने दो। यही नारा लेकर एक मुकबैंगर ने खाने पे नहीं सिर्फ पीने पे फोकस किया। ये दिखने में पानी जैसा ही है, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा गंदा आया एकदम। लेकिन बिट्टू भाई साहब पीने में इतने मशगूल रहते हैं कि फिर इन्हें आसपास का कोई भी होश नहीं रहता। पर पीने के शौक के साथ साथ बिट्टू टैटू आर्टिस्ट का काम करते हैं, यानी इनके साथ ली गई टैटू की अपॉइंटमेंट फैक्ट भाई को तुरंत कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि शराब पीने के बाद तो इन्हें ढक्कन कैसे खोलना है ये भी याद नहीं रहता। लेकिन भाई लोग, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपने दर्शकों के लिए ही सही, हर वक्त शराब पीने से इनकी जान को भारी मात्रा में खतरा है। आज इंडिया में लीवर की बीमारी से हर साल लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है, पर फिर भी YouTube पर ईटिंग एक्सप्लोर के अलावा और एक चैनल है जो इस किस्म का मुकबैंग करता है। बस ध्यान रहे ये सब वीडियोस और कंटेंट आपके बच्चों तक ना पहुंच जाए। नंबर 5, अब सलाद ना भाई रे। निकोकाडो एवोकाडो, इन्हें कौन नहीं जानता, पर मुकबैंगिंग के पहले
पहले ये ऐसे दिखते थे। ये उन दिनों की बात है जब उनका वजन 60 प्लस था, पर फिर इनकी लाइफ में मूड बैंगिंग आई और इनके जंक फूड खाने और बियर चैलेंजेस करने से ये 181 केजी के हो गए। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। अब वजन बढ़ने के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर CPAP मास्क पहनकर वीडियोस बनाने की नौबत आई, पर बावजूद इसके खाना नहीं रुका। और ऐसे में जब एक यूट्यूबर ने ये कह दिया कि निक धीरे धीरे खुद को व्यूज के लिए मार रहे हैं, तो निक ऑफेंड हो गए। हालांकि व्यूज की कटौती से बचने के लिए ये हर कुछ वक्त में ऐसी वीडियोस डालते ही हैं। पिछले दिनों ये एक बार फिर ऑनलाइन ट्रेंड में थे जब निक ने 40 केजी वजन घटा लिया था। फिलहाल 160 केजी के निक करीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ 6 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। पर निक से ज्यादा गलती शायद इनके फॉलोअर्स की है जो उनकी व्यूज की भूख को बढ़ा रहे हैं, ये सोचे बिना कि वो व्यूज के लिए क्या कर जाएंगे। नंबर 6, दुर्घटना से ना भली। सोचो अपने करियर के बेस्ट दिनों में आपको आपका काम छोड़ना पड़े तो। वेल, ये कहानी है हुनी की जो खाते रहे और सबका मनोरंजन करवाते रहे, लेकिन जाने से पहले हुनी ने अपना चैनल उनके करीबी दोस्त एरा को सौंप दिया। इनफैक्ट उन्होंने सभी लोगों को ये भी समझाया था कि जैसे हुनी को सपोर्ट मिला वैसे ही एरा को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, पर ऐसा जरा भी नहीं हुआ। जब से हुनी ने चैनल से टाटा बाय बाय ले लिया, उनकी चैनल पर व्यूज की कटौती शुरू हो चुकी थी और शायद इसी के चलते अब चैनल पर एक भी वीडियोस नहीं अपलोड होते हैं। मगर अब हुनी का आना नामुमकिन है क्योंकि वो जानते हैं कि मुकबैंक से उनकी जान भी जा सकती है, और जो अपनी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर करके फिर भी मुकबैंक करते हैं उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। जैसे इटली में रहने वाला 42 साल का एक मुकबैंकर जिसने हमेशा अपने पेट की ही सुनी थी। नंबर 7, एंट्री से एग्जिट तक। ज्यादा खाने से वजन बढ़ना तो सबने सुना है, पर क्या आपने ज्यादा खाने के बाद किसी का वजन घटते देखा है? अगर नहीं तो इन्हें देखो, ये मुकबैंगर कन्या तब तक खाना मंगवाती रहती है जब तक टेबल का हर कोना भर ना जाए, और ये ऐसा पिछले 3 साल से कर रही है। इसके बावजूद कोरियन टीवी शो पे जब वजन को लेकर सवाल हुआ तो पता चला कि पहले वो 50 किलो की थी, पर मुकबैंगिंग के बाद वजन घटकर 48 किलो हो गया। वेल डन। और उससे बड़ा का आपको ये सुनकर लगेगा कि ये एक्सरसाइज तक नहीं करती तो ये खाना जाता कहाँ है? वेल, इन डॉक्टर साहब की माने तो ये मुकबैंगर ढेर सारा खाना तो खाती है, पर उसे ज्यादा समय तक अपने पेट में नहीं रखती, यानी ऊपर से एंट्री और नीचे से एग्जिट में देर नहीं करती। इसी वजह से इनका वजन बढ़ने के बजाय घट गया है। नंबर 8, दिल मांगे मोह। किसी का खाना देख कर पेट भर जाता है तो किसी का खाना देख के प्यार उभर आता है। नाना, ये दीदी और कुछ नहीं, बस खाना चबाए जा रही है। इनकी अनोखी खाने की स्टाइल देख कर लोग की चीज कहते हैं, बस कर बहन और अपने सेहत पर ध्यान दे। मगर भाई लोग, कैंडी का ये चैनल हमेशा से मुकबैंग में नहीं था। असल में 2010 में खोला गया ये चैनल फूड रिव्यूज के लिए था, लेकिन यूट्यूब पर मुकबैंग की लहर को देख कैंडी ने भी उसमें डुबकी लगाई। इसके बाद वो पिज्जा, स्पैगेटी, चिकन और ना जाने क्या क्या खाने लगी। पर कहते ना कि आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितनी उसे भूख हो। कैंडी के साथ वही हुआ, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे सब छोड़ छाड़ के डाइटिंग पर आना पड़ा। और कैंडी अपने खाने से नहीं तो बाकी चैनल्स चलाकर भी पैसे बटोर लेती है, यानी अब देखना होगा कि कैंडी अपने पुराने मॉडलिंग वाले करियर को ही फॉलो करेगी या खाती रहेगी। मगर वेट, अब बारी है KBC के क्रिएटिव जवाब की। तो भाई लोग, KBC कहा है कि 7 करोड़ मिले तो हम फैक्ट भाई का चैनल खरीद लेंगे, तो किसी ने कहा कि फैक्ट भाई का फेस रिवील, लेकिन इनमें सब में क्रिएटिव आंसर था गेमर टिप्स 193 का, मैं घंटा नहीं जीत पाऊंगा KBC। तो गेमर टिप्स, भले आप KBC जीतो या ना जीतो, पर आपने ये कहकर फैक्ट भाई का दिल जरूर जीत लिया है। तो ये थी वो भुक्कड़ गैंग जो खाने से कभी कतराते नहीं थे, पर क्या ये इनका असली सच है? अगर ये जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो को एंजॉय करें। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।